जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सबके साथ एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, आपके वहीं चिर परिचित दोस्त जिन्हें आप लगातार सुनते आ रहे हैं। हम आपके हर वक्त फ़ायदे का ख्याल रखते हैं, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी जो पूंजी है अगर दुनिया में कुछ, तो हमारा स्वास्थ्य है दोस्तों। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सफलता, कुछ भी हो लाइफ में, सब कुछ पा सकते हैं। शांति है, सुख है, आपके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है आपको। फॉर एग्जांपल, मान लो शुगर है, आप खा ही नहीं सकते मिठाइयाँ, पैसे भरे हों घर में और इच्छा हो खाने की, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए हमारा स्वास्थ्य रहना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और एक आम समस्या है कुपोषण। लोग कुपोषित हो जाते हैं, या फिर किसी की बॉडी बहुत पतली होती है, वो चाहते हैं वेट गेन करना, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है दोस्तों कि वेट गेन कैसे करें या अपनी बॉडी को हिस्ट पुष्ट कैसे बनाएं। इसके लिए हम आज आपके लिए बहुत सारे उपाय लेकर के आए हैं दोस्तों। वैसे तो नॉर्मल लाइफ में सभी को, हम अगर कुछ भी खाते हैं तो जो बेसिक नीड है हमारी बॉडी में, सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी होती है और जिसकी मात्रा होती है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों, हम नॉर्मली चावल या रोटी खाते हैं उसमें मिल जाता है। चावल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है और इसकी ज़रूरत हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसी विटामिन्स और प्रोटीन्स ऐसे भी हैं जो हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक होते हैं। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा दोस्तों, तो हमारी बॉडी भी वैसी हो जाती है, निर्जीव, हम बीमार बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो हमें हमारी बॉडी को कैसे बैलेंस रखना है, प्रोटीन कैसे और किन किन फलों में या सब्जियों में या कहां कहां से हम गेन कर सकते हैं, कहां से पा सकते हैं, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। इसके लिए करना क्या है आपको, सोयाबीन, आप सभी जानते हैं दोस्तों सोयाबीन, ये आपको नॉर्मली आपके आसपास की दुकानों पर मिल जाएंगी। प्रोटीन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो दोस्तों सोयाबीन है, सोयाबीन की दाल। इसमें इतनी प्रोटीन की मात्रा है दोस्तों, जो कि ना किसी मांस, ना ही मछली, ना अंडे, किसी भी चीज़ में इतना प्रोटीन आपको नहीं मिल सकता है दोस्तों। लेकिन इसको यूज कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है, आप सोयाबीन लेकर के आइए, उसे शाम को पानी में डाल करके भिगो दीजिए, सुबह जग करके पानी से बाहर निकाल दीजिए, उसके पानी को साफ करके, छना हुआ पानी होगा उसको पी जाइए आप। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों, जो सोयाबीन का पानी होता है वो पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आपका पाचन तंत्र तंदुरुस्त हो जाता है दोस्तों, डाइजेस्ट होता है खाना अच्छे से। अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो उसमें जो भी विटामिन या मिनरल्स जो भी होंगे वो सब आपकी बॉडी में इजिली चले आएंगे, और खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो वहीं खाना पीत बन जाता है। तो अब करना क्या है आपको, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। सोयाबीन आप उसको बाहर निकाल लीजिए, और उसे एक तौलिया लीजिए, सूती कपड़ा लीजिए, उसको गीला कर दीजिए, उसमें पलट दीजिए सोयाबीन को, और उसकी एक गांठ बांध करके रख दीजिए। अगले दिन सुबह दोस्तों वो अंकुरित हुआ मिलेगा आपको। जब अंकुरित हो जाएगा तो उसके अंकुर से ही जब आप उसको खाते हैं, गुड़ ले सकते हैं उसके साथ, या आपको अगर नमक के साथ लेना है नमक के साथ ले सकते हैं, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, या कई लोग शहद के साथ भी ले सकते हैं क्योंकि शहद भी खुद ही अपने आप में एक गुणकारी औषधि है। तो आप इसका सेवन रेगुलर करेंगे अगर, तो सोयाबीन से क्या होता है दोस्तों, आपका पेट जो होता है वो क्लीन हो जाता है। सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो कब्ज की आपको शिकायत नहीं होगी दोस्तों। और इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि खाना डाइजेस्ट बहुत अच्छा होता है। खाना डाइजेस्ट अच्छा होगा तो इसमें जो उपस्थित प्रोटीन की मात्रा होती है वो आपकी बॉडी में इजीली हर तरफ पहुंच जाती है, और प्रोटीन आपकी बॉडी में है तो इससे क्या होता है, बॉडी संतुलित रहती है, आपकी बॉडी हिस्ट पुष्ट और मजबूत बन जाती है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है, बढ़ जाता है दोस्तों। तो आप कोई भी काम करते हैं तो अति उत्साह में, यानी उत्साहित होकर के करेंगे, और जब हम कोई भी काम दिल से उत्साहित होकर करते हैं दोस्तों, तो आप भी जानते हैं सफलता बिल्कुल उसके दरवाजे पर खड़ी होती है। तो बस
इसके लिए आपको ध्यान रखना क्या है कि आप सोयाबीन को खाएंगे। और सेकंड चीज, बॉडी को मजबूत बनाने के लिए क्या है, हड्डियाँ होती हैं हमारे दोस्त। हमारे शरीर में सबसे पहले जो हो गया, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमने बता दिया प्रोटीन, लेकिन एक और ऐसी चीज़ है जिसकी भी बहुत ही अहमियत है दोस्तों, हड्डियाँ। अब हड्डियों को कैसे मजबूत बनाएं, इसके लिए हम आपको विधि बता रहे हैं दोस्तों। वैसे तो सभी को नॉर्मली पता है दोस्तों कि कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, पर अब वापस वही बात, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है उसके स्रोत क्या क्या हैं, कैसे हमारी बॉडी में आएगा कैल्शियम। के लिए दोस्तों वैसे तो दूध जो होता है, बाजारू दूध नहीं, बाजारू दूध में कई चीज़ों की मिलावट होती हैं, और ये बात तो सही है, और ख़ास करके मेट्रो सिटीज़ में दोस्तों, कि कहाँ से हम ओरिजिनल दूध लाएं, पैकेट के दूध ही आते हैं। कि हमें अगर दूध मिल जाता है ओरिजिनल, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, उसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। अदरवाइज हल्दी, हल्दी गांठ वाली जो हल्दी होती है दोस्तों, वो बुकी हुई नहीं, ध्यान रखें आप, गांठ वाली हल्दी, गांठ वाली हल्दी और चूना। चूने में पूरा कैल्शियम ही कैल्शियम होता है। अब सोच रहे होंगे आप कि चूना खाएंगे कैसे, इसके लिए हम आपको तरकीब बता रहे हैं। आपको करना क्या है, चूने को पानी में डुबो दीजिए, वो खोलने लगेगा, खोलने दीजिए, पानी अगर उसका ख़त्म हो जाए दोस्तों, उसमें वापस और पानी भर दीजिए, पानी को सूखने मत दीजिए, पूरा पानी से तर कर दीजिए उसको। अगली सुबह तक जब आप देखेंगे तो वो ठंडा या शांत हो चुका होगा। उसमें हल्दी डाल दीजिए, हल्दी के टुकड़ों को डाल दीजिए, छोड़ दीजिए ऐसे ही उसको। इसके बाद उसको मिक्स करते रहिए, टाइम टाइम पर देख करके हिलाते डुलाते रहिए, मिश्रण से उसमें पानी जो आपका होगा वो स्थिर होता जाएगा, और वो चूना नीचे बैठ जाएगा और हल्दी की गांठें नीचे बैठ जाएंगी। फिर भी उनको मिक्स करते रहिए उसी पानी में। इसके बाद जब वो पूरी तरह से नीचे बैठ जाए दोस्तों, अगली सुबह आप पानी को छान करके निकाल लीजिए, और पानी को सुरक्षित एक बोतल में रख लीजिए। अब उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, आप उसको डायरेक्ट ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो खरा कैल्शियम होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा तो भी लॉस करेगा। मतलब हम किसी भी चीज़ में जब अति होती है तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी भी वैसे ही, जब ज़रूरत से ज़्यादा उसमें कोई भी चीज़ जाएगी तो फिर उसको हानि पहुँचाने लगती है, इसलिए हमें उचित मात्रा में लेना है। आप एक छोटा चम्मच शहद के साथ या किसी भी मीठे के साथ आप लेंगे, या किसी भी पौष्टिक चीज़ के साथ, या सोयाबीन जैसे उसके साथ ले लिया आपने, वो आपको बेनिफिशियल होगा दोस्तों। एक चम्मच वो आप जो आपने रस निकाल रखा है, और उसके साथ कुछ भी खाने की वस्तु ले लीजिए और खाइए, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, बेस्ट उपाय है ये। इस प्रकार आपका शरीर जो है वो हिष्ट पुष्ट और बहुत ही मजबूत, कद काठी सुडौल और मज़ेदार बन जाएगी दोस्तों। धन्यवाद, अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक और नए टॉपिक पे।